तो आज मैं आया हूँ जी बीकानेर वाला के यहाँ पे, लंच का टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा आज यहाँ पे लंच करते हैं, आज काउंटर के ऊपर चलते हैं, सिलेक्ट करते हैं क्या करना है। जब तक थोड़ा बिजी है चीज बताता हूँ आपको, ये कुछ रसगुल्लास लगे हुए हैं इनके, ये मेरे बड़े फेवरेट है वैसे, कभी आप यहाँ पे आओ तो इसको ट्राई करके देखना। चलिए आइए ऑर्डर करते हैं। काफी बड़ा मेन्यू है वैसे, घर की थाली कितनी घर ये एक कर दीजिए, और कुछ बस यही कर दीजिए, काफी सफिशिएंट है ना। दो रोटी दो सब्जियां है ना, और भी कुछ मेंशन है? चलिए आपको दिखाता हूँ, ये मेरे को मिल रहा है जी 220 का, और बाकी बिल वगैरह क्या क्या मिल रहा है सारा कुछ ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको। टेबल पर रखना अपना आपका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी फाइन, थैंक यू। तो चलिए ऊपर टेबल के ऊपर मिलते हैं। एक बार थोड़ा सा ना हॉल दिखा दो यार, बड़ा ज़बरदस्त हॉल बना हुआ, नीचे बैठने की अच्छी सीटिंग है, लेकिन हम लोग बैठेंगे ऊपर। और मैं आ चुका हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पे इनके, फर्स्ट फ्लोर के हॉल में, और हॉल बड़ा प्यारा बना हुआ है, एक बार दिखा देना जरा। मैं थोड़ा लेट हूँ तो अभी कस्टमर्स वगैरह तो नहीं है इस वक्त, खाली है, बट बढ़िया बना हुआ है। सो इट इज़ अ गुड प्लेस, जलंधर में अगर आप आए हो तो बीकानेर वालों के पास आप यहाँ पे आके फूड इंजॉय कर सकते हो, अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। तो इनके पास ना वैसे थाली की अलग अलग ऑप्शन थी, मैंने जो ऑप्शन चूज किया है वो की है घर की थाली, ये मेरे को पड़ी है जी 220 की, और इस टाइप से आपको साथ में दे देते हैं, मतलब यहीं से पता चलता है ऊपर की आपके ऑर्डर का नंबर क्या है। तो मैं वेट कर रहा हूँ बस, देखते हैं। तो ये आ गया जी मेरा ऑर्डर। अरे वाह, घर की थाली है ये, मतलब घर से लेके आते हैं क्या बीकानेर वाले? ये घर जैसा फूड है, बढ़िया नाम रखा हुआ और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है। इसके नीचे भी है, ये प्लेट के नीचे ट्रे है, और हम लोग बैठे हैं जी इस वक्त बीकानेर वाले पे। ये एक बार भाई साहब इनका दिखा देना, इसको कर देता हूँ मैं साइड पे ट्रे को, और ये दिखाता हूँ आपको, अच्छी जगह पे यानी कि अच्छी स्पेस पे बैठा हूँ मैं, है ना, और अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो ये 220 रुपए में मुझे देखने में तो लग रहा है यार बढ़िया थाली है। आई डोंट नो होम डिलीवरी में ये ऑप्शन है इतने में या नहीं है। तो ये दिए हैं जी मेरे को दो, ये बटर रोटी कह सकते हैं हम लोग, जिसके कि चार पीसीस क्यों हैं, और ये साथ में राइस दिए हैं। राइस की क्वालिटी देखने में बढ़िया लग रही है यार, मैं आपको सही कहूँ, ये अच्छी क्वालिटी के राइस जो है यूज़ किए गए हैं, उसके ऊपर धनिया वगैरह। इधर आ गई जी ये दाल, येलो दाल है, इसके ऊपर भी अच्छे से धनिया वगैरह डाल के, धनिया मैं देख रहा हूँ हर चीज़ में यूज़ किया गया। और ये है जी साथ में पनीर, हाँ ये मिक्स है कुछ शायद, ओके सिर्फ पनीर नहीं है, पनीर के अंदर भी काफ़ी कुछ मिक्स किया हुआ है। साथ में ये रहता है बूंदी रहता है, ये भी ये दिखाऊँ आपको, बूंदी रहता है, और साथ में अनियन, और अनियन के साथ में ये है जी इधर मिर्च वगैरह भी दी गई है, साथ में नींबू वगैरह भी, ये खीरा दिया गया, और ये गुलाब जामुन दिया गया है, बढ़िया यार। और ये साथ में है जी अचार, इसकी कर देते हैं ओपनिंग। अरे वाह गुड मिक्स्ड है, नाइस बढ़िया भाई साहब। तो मुझे लग रहा है कि 220 में अगर इस स्पेस में बैठ के खाना मिल रहा है तो आई थिंक गुड है, सफिशिएंट है। अब टेस्ट के ऊपर आता है कि टेस्टी कैसा है, टेस्ट है भी है या नहीं है, दाल को करो मेरा टेस्ट, येलो दाल मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, पर मुझे लग रहा है कि देसी घी में बनी है, स्पाइसेस नॉर्मल है, टेस्ट में गुड है, काफी अच्छे से इसको बनाया गया है। अब ये करते हैं इसको, चीज को काफी गाढ़ी है, काफी गाढ़ी ग्रेवी वगैरह इसकी, मतलब मसाला ही है समझ लो आप, और मटर वगैरह भी डाले हुए हैं। ये प्रॉपर ना मिक्स वेज है एक्चुअली, मैंने चेक नहीं किया उसके अंदर ऑर्डर में, बाकी रायता वगैरह तो अच्छे से बूंदी वगैरह डाल के बना लिया, नाइस, रायता का टेस्ट भी बड़ा अच्छा है, पुदीना वगैरह डाल के ना, धनिया पुदीना वगैरह डाल के इसको बनाया गया। अब करते हैं, अच्छा रोटी पतली है,
नाइस, रोटी सॉफ्ट भी है पतली भी है। नित्तू नॉर्मली हम लोग जब तंदूर की रोटी खाते हैं ना तो काफी मोटी होती है, तो अच्छे से मेरे को लगता है ये डाइजेस्ट करने में भी आपको हेल्प करेगी। थोड़ा सा लेते हैं अचार और ये लेते हैं जी दाल के साथ। अरे नाइस, आई कैन से कि बढ़िया हो गया लंच आज का। अरे वाह, थोड़े से चावल टेस्ट करता हूँ और फिर वीडियो को खत्म करता हूँ और फूड को करता हूँ पूरे से फिनिश, प्लस एंजॉय तो कर ही रहा हूँ। अगर आपको स्पाइसी थोड़ा ज्यादा लगता है, नमक वगैरह थोड़ा ज्यादा तो नहीं, मतलब इससे ज्यादा खाने का है, अगर है आपको तो आई थिंक नमक वगैरह ऐड कर सकते हो। मुझे नमक दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कम, अगर थोड़ा ज्यादा होता तो बड़ी लगता। बाकी फ्रेश है फूड पूरा, टेस्ट में गुड है, अचार का कॉम्बिनेशन है उससे भी आप कवर कर सकते हो अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो। और एक बाइट लेते हैं इसकी मिक्स वेज की। लो जी भाई साहब, ये दे रहे हैं फाइनल टच स्वीट डिश को, उसके बाद एंजॉय करके फिर वीडियो को खत्म करते हैं। गुलाब जामुन देखने में अच्छा बना हुआ, सॉफ्ट है, गुड है। तो मैं आपको ये कहूंगा अगर मॉडल टाउन वाली साइड हो और आप अच्छी कोई थाली ढूंढ रहे हो, फूड एंजॉय करना चाहते हो, 220 रुपए में इट इज अ गुड ऑप्शन और बढ़िया जगह पे आपको खाने को मिल रहा है जी। ठीक है जी, तो आज अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी अगेन बढ़िया फूड प्लेस पे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर फूड, बाय।